हेलो बच्चों, आज हम मूड इंडिकेटर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड है, दो कार्डबोर्ड, एक मोटा कार्डबोर्ड और एक ये पतला कार्डबोर्ड, सीजर और एक सर्कल की बनाने के लिए एक प्लेट लिया है मैंने, और एक छोटा सर्कल बनाने के लिए मैंने टेप ले लिया है। आप कोई और बाउल भी ले सकते हैं, सीडी मार्कर, मार्कर, क्रेयोन कलर, पेपर कटर फॉर कटिंग एंड कलर्स, ब्रशेस, ये सारा सब कुछ मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका मूड इंडिकेटर के लिए एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं कार्डबोर्ड से। ये हमने दो गोले बना लिए हैं सर्कल। इसके बाद हम इसे सीजर से एक एक वन बाय वन कट कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने दो सर्कल काटे हैं इसको एक के ऊपर एक रख के ये जरूर चेक कर लेंगे कि हमारे एक ही साइज के सर्कल होने चाहिए। देन थोड़ा स्पेस यहां से छोड़ते हुए ये हम छोटा गोला अंदर की तरफ से बना रहे हैं। ये हमने छोटा गोला बना लिया है। अब हम इसे ड्राइंग बनाएंगे। अब हम इसके हेयर्स थोड़ा स्टाइलिश, इसकी बॉडी, इसके हैंड्स, पेंसिल से ड्राइंग हमने कर ली है ये। इसके बाद अब हम इस पे मार्कर चला देंगे। ओके, इस हिस्से को हमें कट करना है। ये हमारा रफ पार्ट है, इसको हमें पेपर कटर से कट करना है। इंडिकेटर जो हमने बनाया है तो हम इस पर डिफरेंट डिफरेंट चेहरे के एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे। जैसे ये क्राइंग फेस बनाया हमने, इसके बाद मैंने ये स्माइलिंग फेस है, के बाद हम इसे और घुमाएंगे। ध्यान रखना है कि फेस हम इसलिए, हमने जो नीचे वाला सर्कल है ये हमने बना के रखा हुआ है, ये इसके ऊपर हम इसलिए रखने के बाद सेट कर रहे हैं ताकि इसका फेस कहीं ऐसा ना हो कि कंधे में घुस जाए या एक दूसरे के साइड से फेस जब हम घुमाएं तो कट जाए। अब यहां पे हम नींद वाला फेस बना रहे हैं, सोता हुआ चेहरा, अगर आप नींद में हो। उसके बाद फिर हम टिल्ट करेंगे और यहाँ पे हम शॉकिंग फेस बनाएंगे, चेहरा अचानक से, जो अचानक से किसी चीज को देख के अचंभित चेहरा। ये एंग्री फेस बनाते हुए और इस तरीके से हमने ये फाइव फेसेस बना लिए हैं। अब हम इस पे स्किन टोन मिक्स करके बनाएंगे। स्किन टोन के लिए हम लेंगे रेड कलर, क्रिम्सन रेड और व्हाइट को हम मिक्स करके स्किन टोन बना देते हैं। अगर आपके पास रेडी है स्किन टोन तो आप वही करेंगे। इसको हम स्किन टोन से भर लेंगे।
ये बाहर वाले पार्ट में हम रेड कलर फिल कर देंगे। ये पिक्चर के जितना भी आउटर पार्ट है ये सारा, इसको हम रेड कलर से फिल कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बॉडी में और इसके कपड़ों में काम कलर करेंगे। इसके फंकी हेयर्स में हम ब्राइट कलर कर देंगे। येलो, मैंने ये लेमन येलो फिल कर रही हूँ इसमें। आप कोई और भी कलर डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हम इसके पैंट को ब्लू कलर से फिल कर देंगे। इस तरीके से हम इसके स्वेटर पे कुछ धारियां डाल रहे हैं सफेद रंग से। हाथों में और पैरों वाले हिस्से में हम फिर वापस ये स्किन कलर फिल कर देंगे। हम इसे कलर से इसके आईज बॉल और टीयर्स इनको हाईलाइट कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट। इस तरीके से हम इसके फीचर्स को हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद हम इसको ब्लैक आउटलाइन कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। इसके सेंटर में हमने बिल्कुल बीचों बीच में एक होल कर लिया है इस तरीके से, इसे और यहाँ निशान ले लिया। तो हमने ये दोनों पार्टों में होल कर लिया। इसके बाद ये बोल्ट लिया है मैंने एक, आपके पास बोल्ट ना हो तो तार का भी यूज कर सकते हैं। ये है ये इसके साथ। अब हम इसे फर्स्ट वाले पार्ट में आगे यहाँ फ्रंट पे दिखाएंगे और इसके साथ में मैंने ये सीजर से एक इस तरीके से कट कर लिया एक पार्ट छोटा सा। ये हम मूड इंडिकेटर का जो पीछे वाला जो व्हील है ये वाला, इसमें हम ये लगाने वाले हैं। यहाँ ग्लू गन की मदद से या फेविकॉल से आप इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। अब ये अटैच हो जाएगा, फिर मैं दिखाने वाली हूँ इसका क्या यूज है। इस तरीके से ये हमारा मूड इंडिकेटर रेडी हो गया। अब ये सोता हुआ चेहरा है, ये शॉकिंग अचानक से देखता हुआ, कुछ अचानक से कुछ कीड़ा आ गया या कुछ आ गया आपके रूम में, आपने वो देख लिया। देन आपका मूड ठीक नहीं है, आप गुस्से में हो, आप अपने रूम के बाहर ये मूड इंडिकेटर लगा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अभी आपने किसी चीज़ को सोच के रोया है। देन इसके बाद स्माइलिंग फेस, बहुत खुश चेहरा, और ये वापस नींद वाला फेस। तो इस तरीके से आप रूम इंडिकेटर लगा के आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको हैंग करवा लेंगे। मैंने ये थ्रेड लिया है और ये थ्रेड को हम इधर वाले फर्स्ट वाले पार्ट पे ही अटैच कर देंगे। ये टेप के मदद से कर दीजिए, और अगर इसे आप हैंग नहीं करना चाहते तो आप इसे अपने टेबल पर इस तरीके से भी रख सकते हैं, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग मूड के अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहिए।